खैरा घाट से एक सूचना प्राप्त हुई कि तकरीबन 1:30 बजे एक दुकान में विस्फोट हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंच के जब जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि श्री राजेश पाठक, जिन्होंने अपनी एक दुकान सद्दाम व आरिफ नाम के व्यक्तियों को किराए पर दे रखी थी, जिनके द्वारा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम किया जाता था, उसी दुकान में उनके द्वारा जो पटाखे हैं उनका भंडारण किया गया था, उसी में आज विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में उस दुकान में बैठे सद्दाम व सड़क से गुजर रहे नफीस और अनीस और सामने की दुकान पर बैठे खुरचाली नामों के व्यक्ति को चोटें आई। तत्काल इनको मौके से अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिनको कि जिला चिकित्सालय में रेफ़र किया गया। मौके पर मेरे द्वारा और जिला अधिकारी द्वारा वहाँ पर मुआयना किया गया है। इनके द्वारा जो भंडारण किया गया था, इस बारे में आसपास के लोगों से जब जानकारी गई, उन्होंने भी इसकी अनभिज्ञता जताई है। इस संबंध में एक मुकदमा जो है वो थाना खैरी घाट पे एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर पंजीकृत किया गया है। इसमें नफीस नामक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। मौके पर इस समय पे शांति व्यवस्था व्याप्त है। जो घायल है उनको उच्च चिकित्सा के लिए लखनऊ रेफर किया गया है और इस संबंध में जो है जाँच पुलिस द्वारा मौके पर की जा रही है।